हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी और दही से बहुत ही प्यारा सा नाश्ता, बहुत ही यमी सा नाश्ता, और जो आपके घर में सभी को पसंद आने वाला है, बड़े हो या बच्चे हो, खुद आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा बनाने में। इतना आपको प्यारा लगेगा ये कि बनाते बनाते आपका मन करेगा एक दो तो मैं ऐसे ही खा लूँ। तो यहाँ पे ले रखा है मैंने सूजी बनाने के लिए। और एक बात इसमें और है कि ये नाश्ता जो हम बनाने वाले हैं, घर पे बची खुचे सामान से किचन में सभी के अवेलेबल होता है, जो भी आपके पास हो वो डाल के इस नाश्ते को बना सकते हैं और सब बहुत पसंद करेंगे। तो सूजी और दही चाहिए हमें सूजी दही का बैटर बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक कटोरी दही ले रखी है। अगर दही आपके पास नहीं, आप छाछ ले लें यानी कि मट्ठा। सबसे पहले हम सूजी, ये मेरी छानी हुई है, इसमें हम डाल देते हैं एक कटोरी सारा दही और थोड़ी सी दही, तो आप थोड़ी सी भी ले सकते हैं। आपके पास खट्टी दही हो, कोई सी भी आप दही इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरीके से पहले हम मिक्स कर लेते हैं इसे। और अब हम डालेंगे इसमें चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा सफ़ेद तिल, नमक, काली मिर्च पाउडर। तो काली मिर्च पाउडर हम डाल देते हैं और साथ में हम डाल देते हैं इसमें ये नमक। थोड़ा सा नमक रहेगा तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और अब हम इसका एक बैटर तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, थोड़ा ही थोड़ा डालें, एक बैग में सारा ना डालें। सूजी पानी को अब्सॉर्ब करने में बहुत मास्टर होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा करके आप इस बैटर को तैयार करें। ऐसे बैटर देखिए, हमें बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का चाहिए बैटर, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ही आप बैटर तैयार करें। और अब हम डाल देते हैं इसमें ये चिल्ली फ्लेक्स। बहुत अच्छा सा कलर आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो अब अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके घर पे बच्चे हैं, तो थोड़ा कम ही डालें चिल्ली फ्लेक्स, सारे बीज निकाल दें। और कुटी हुई लाल मिर्च, जो आपके घर पर मिर्च आती मिर्च जो हो, उसे आप सुखा के कूट कर चिल्ली फ्लेक्स घर पर ही बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है बनाना। और अब हम डाल देते हैं इसमें ये सफ़ेद तिल, बहुत प्यारा लगेगा। बैटर हमारा बनकर तैयार है। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आप रखिएगा। आप कवर करके छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए और बना लेते हैं स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे रखते हैं हम साइड में। और यहाँ पे चाहिए हमें बॉयल मैश की हुई आलू। बॉयल मैश की हुई आलू को हम रखते हैं साइड में। और मसाले हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। यहाँ पे लिया मैंने आमचूर पाउडर, चाट मसाला, आप चाट मसाला की जगह गरम मसाला का यूज कर सकते हैं। और हमें चाहिए हल्दी पाउडर, हींग 2 से 3 पिंच, जीरा, और ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने फुल 1 चम्मच ले रखा है, 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे लिया है मैंने नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हम देख लेते हैं सब्जियों में क्या चाहिए। कुछ भी ज़्यादा आपको इसमें नहीं लगेगा। जो नाश्ता आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी होता है, बहुत ही कम सामान में बनने वाला है। यहाँ पे ले रखी मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, बारीक बारीक चॉप किया है। और थोड़ी सी ले रखी है मैंने राई, काली वाली सरसों, लहसुन अदरक का पेस्ट दरदरा, 1 हरी मिर्च। अगर आपके पास धनिया हो तो डालें, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए फटाफट से हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हम डाल देते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत थोड़ा सा। इसमें ऑयल हमें यूज करना है, गर्मी का मौसम है इसलिए तेल को हम गर्म हो जाने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये राई, और राई को हम थोड़ा सा हो जाने देते हैं। राई हमारी चटक चुकी है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये हींग अपनी, और साथ में हम डाल देते हैं ये जीरा, थोड़ी देर पका लेते हैं। जीरा, हींग, सारी चीज़ें हमारी पक चुकी हैं। अब हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छी, और प्याज डाल देते हैं। इनको हम थोड़ी देर पका लेते हैं प्याज को सॉफ्ट होने तक। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब हम डाल देते हैं इसमें हल्दी और ये चाट मसाला। हम ये सारे मसाले हम ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन्हें, प्याज और इनके साथ थोड़ी देर के लिए। वो एकदम कम कर दें और मसालों को भून लें। सारे मसाले हमारे भून चुके हैं, देखिए बहुत ही कम ऑयल में इतने बढ़िया तरीके से भून गए हैं। और अब हम डाल देते हैं इसमें ये बॉयल मैश की हुई सारी आलू, और इन्हें भी हम सारे मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। स्टफिंग हमने बनाकर तैयार कर ली है। स्टफिंग हमारी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो सारी स्टफिंग को हम बॉल बना लेते हैं, छोटी छोटी सी, बिल्कुल रसगुल्ले टाइप सी। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है
और आपको ऐसे ही नहीं बनाना है, ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा हाथ में, देखिए लग रहा है ना, तो ऐसे ही लगेगा। तो इसलिए हाथ को आप थोड़ा सा इस तरीके से किसी चीज़ से चिकना कर लें, तेल या घी से। तो अब हम इनको छोटी छोटी बॉल बनाएंगे इस टाइप से, देखिए कितनी बढ़िया, कितनी जल्दी बन जाती है, देखिए बॉल। ऐसे ही सारी हम बना लेते हैं, आलू के बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। आप इसे ऐसे ही खाएंगे तो भी इतना प्यारा ये बनता है। तो इसे रखते हैं हम साइड में और ले लेते हैं अपनी अपने और बैटर को भी हमें हाथ ग्रीस करने के बाद ही बनाना होगा। हाथ को हमने ग्रीस कर लिया है और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएंगे ऐसे, ये देखिए। और इसे अगर आप हाथ को ग्रीस करने के बाद बनाएंगे तो बिल्कुल भी हाथ में देखिए लगेगा नहीं। तो इसे हम इस तरीके से फैला देते हैं, बहुत इजी बनाइएगा, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। हमने इसे देखिए इस तरीके से बना लिया है, आप चाहें तो प्याली की तरह से बना लें। तो एक बॉल्स ये आलू वाली हम उठाएंगे और इसे इस तरीके से रखेंगे और इसे कवर कर ऐसे, देखिए कवर करते जाएंगे हम, बहुत ही ईजी होता है। इसे करने के बाद फिर से हम एक बॉल का शेप दे देते हैं, बॉल्स का शेप देखिए हमने दे दिया है, कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो ये गोला शेप दें, चाहें तो कोई और भी शेप दे सकते हैं इस नाश्ते से। तो इसे रखते हैं हम एक प्लेट में और ऐसे ही हम सारा अपना नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप कोई और शेप भी दे के इसे बना सकते हैं, इसे सिलेंडर का शेप दे सकते हैं, चौकोर शेप दे सकते हैं, देखे इसे बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बॉल्स बनाए। तो रिफाइंड ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, चलिए फटाफट से हम इसे तेल में फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे स्टीम करके यानी कि भाप में पका सकते हैं, अगर आप कम ऑयल खाना पसंद करते हैं तो। अगर आप इसे भाप में बनाएंगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा। रिफाइंड ऑयल अच्छी तरह से गर्म है, अब हम इसमें ये बॉल्स अपने उठाकर डाल देते हैं, एक एक बॉल्स को इस तरीके से हाथ को बचाते हुए। और तेल देखिए हमारा कितना गर्म है, इसी हिसाब से आपको रिफाइंड ऑयल को गर्म रखना है। ऐसे ही हम सारा डाल देते हैं, आप मान लीजिए प्लेट में रखेंगे तो इस टाइप से देखिए ऐसा अगर दब जाए तो आप इसे ऐसे बॉल्स दे दें, बॉल्स वाला, और फिर डालें ऑयल के अंदर और इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से तेल से ऊपर कोटिंग करते रहेंगे तेल की, और फिर उसके बाद हम इसे घुमा देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा पक रहा है, एक बार में हमने इतने बॉल्स को डाल दिया है। और इसे हम अच्छी तरीके से अलट पलट के पकाएंगे, ध्यान रखिए फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में ही होनी चाहिए। तो इसे हम पका लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है और कितना प्यारा ये पक चुका है। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही कलर रखना है, पास से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अगर आप और ज़्यादा डार्क कलर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी इस टाइम पे एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुका है। सारे बॉल्स को हम निकाल लेते हैं, सारे बॉल्स को हमने बाहर निकाल लिया है, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पक चुके हैं। और नीचे हमने और पकने के लिए डाल दिया है, तो इसी तरीके से हम सारे अपने बॉल्स पका लेते हैं, बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये वाले भी बॉल्स हमारे पक चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और सारे बॉल्स हमारे बन चुके हैं, सारे बॉल्स हमारे बनकर तैयार हैं। देखिए कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अपनी मनपसंद सॉस ले लीजिए, उसके साथ ये खाइए, बहुत प्यारी लगेगी, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, पास से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यमी नाश्ता बनता है। तो मैं ले लेती हूँ एक प्लेट और आपको सर्व कर देती हूँ खाने के लिए, बहुत प्यारा लगेगा। मैंने ये सर्व कर दिया है प्लेट में, लीजिए खाइए। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लगता है ये देखिए, ऐसे हम तोड़ देते हैं इसे, सॉफ्ट होता है अंदर से, कितना बढ़िया तरीके से पका होता है, आप खुद ही देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ना। स्टफिंग भी अच्छे से भरी है और हमारा ये सूजी पक चुकी है अच्छी तरीके से। तो हमारी सूजी रोल बॉल्स आपको कैसी लगी आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो पे लाइक करें, हमेशा वीडियो मिलती रहे आपको, इसलिए आपको नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना होगा, आप उसे साथ में दबा दें जैसे कि हमारी प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें।
तो मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।